बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बाकायदा आगाज कर दिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स, सीपीयू और मेन मेमोरी को। फ्रेंड्स, आइए फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सीपीयू को मदरबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट माना जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये आपकी हाथ की हथेली के बराबर एक चिप होती है जिस पर सर्किट्स मौजूद होते हैं और इस चिप के जरिए कंप्यूटर में इनपुट दिए गए डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। यानी आप ये समझ लें कि कंप्यूटर में आप जो भी वर्किंग करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, टाइपिंग करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी जो भी वर्किंग आप कंप्यूटर में करते हैं वो सब प्रोसेस आपका सीपीयू ही करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेन मेमोरी को दे देता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीपीयू कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसे कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जो कि इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने में सीपीयू की हेल्प करते हैं, जिनमें दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड कंट्रोल यूनिट CU। आइए इनको बारी बारी पढ़ते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी दो मेन कंपोनेंट के ऊपर बेस करता है। अरिथमेटिक यूनिट जो कि तमाम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, यानी आपके कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करता है। किसके जरिए? ALU के जरिए। इसके बाद जो ALU का दूसरा कंपोनेंट है वो है लॉजिक यूनिट, जिसके जरिए किसी भी दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन यानी मवाजना करवाया जाता है, जो कि किसी कंडीशन की बिना पर करवाया जाता है, जैसे कि A is less than B, A is greater than B and A equals to B। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लॉजिक यूनिट दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करवाता है और इन कंपैरिजन के रिजल्ट की बिना पर कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है। और ALU के बाद जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है सीपीयू का वो है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये कंप्यूटर के तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपीयू को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू को बताएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को पहले प्रोसेस करना है और कौन सी इंस्ट्रक्शन को बाद में। और फ्रेंड्स, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल यूनिट तीन मेजर काम करता है। दूसरे, सबसे पहले मेन मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को निकालता है जो कि फेचिंग कहलाता है। उसके बाद डिकोडर के जरिए इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है कि इंस्ट्रक्शन में आखिर काम क्या हो रहा है, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को ALU को दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस तरह कंट्रोल यूनिट ALU के जरिए तमाम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है वो तमाम इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में पड़ी होती है। इन शॉर्ट, आप ये समझ लें कि अगर ये मेन मेमोरी आपके कंप्यूटर में मौजूद ना हो तो सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो फिर आइए मेन मेमोरी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेन मेमोरी मौजूद होती है, रैम और रोम। तो सबसे पहले है रैम। दोस्तों, रैम मुखफ्फिफ है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इस पर मौजूद डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को निकालना या फिर डालने के लिए किसी किस्म की तरतीब की जरूरत नहीं होती, बल्कि रैंडमली आप इस पर से डाटा निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, वो सबसे पहले इसी मेन मेमोरी में यानी रैम के अंदर जाकर स्टोर होता है। ये उन प्रोग्राम्स और डाटा को स्पेस फराहम करता है जो आपके कंप्यूटर में करंटली रन हो रहे होते हैं। जिस तरह आप अगर अभी अपने कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी पहले रैम में लोड होगी, तभी आप इसको रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो सब भी पहले रैम में ही जाकर लोड होंगी। दोस्तों, जिस तरीके से आपकी टीचर बोर्ड पर कुछ लिखती है, उसको एक्सप्लेन करती है और फिर उसको मिटा देती है, बिल्कुल ऐसे ही जब भी आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम के अंदर मौजूद डेटा भी बोर्ड पर मौजूद डेटा की तरह मिट जाता है। इसीलिए
जब भी आप कोई गेम खेल रहे होते हैं और अचानक से लाइट चले जाए जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, तो जब आप दोबारा से कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका वो गेम भी बंद हो जाता है, क्योंकि आपकी रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है और कंप्यूटर के बंद हो जाने पर उसमें मौजूद डाटा भी उड़ जाता है, इसीलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों रैम के अंदर मौजूद डाटा को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें मजीद डाटा को डाल सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। जिस तरह मेन मेमोरी की दो टाइप्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से रैम की भी दो टाइप्स हैं, डी रैम जिसको डायनेमिक रैम भी कहा जाता है और एस रैम जिसको स्टैटिक रैम भी कहा जाता है। डी रैम कैपेसिटर से मिलकर बनती है जबकि एस रैम फ्लिप फ्लॉप के सर्किट से मिलकर बनती है। दोस्तों कैपेसिटर की वजह से इनके अंदर मौजूद डाटा को बार बार रिचार्ज या फिर रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, क्योंकि कैपेसिटर जिस तेजी से अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं वो उतनी ही तेजी से एनर्जी को लीक भी कर देते हैं, यानी इनके अंदर मौजूद चार्ज डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाता है। जबकि एस रैम के अंदर मौजूद डाटा तब तक इसमें मौजूद रहेगा जब तक कि इसको पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, इसीलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए एस रैम आमतौर पर डी रैम के मुकाबले में महंगी होती है और एस रैम जिस सर्किट पर मुश्तमिल होती है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि आप देख सकते हैं कि डी रैम का एक बिट को अपने अंदर महफूज करने का सर्किट एस रैम के निस्बत बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दोस्तों डी रैम आमतौर पर मेन मेमोरी के लिए यूज की जाती है जबकि एस रैम आमतौर पर कैश मेमोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और कैश मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही लगाई जाती है जिसमें वो तमाम डाटा स्टोर किया जाता है जो कि सीपीयू बार बार इस्तेमाल कर रहा होता है, और कैश मेमोरी के जरिए ही सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सीपीयू को मेन मेमोरी के पास जाना नहीं पड़ता, वो डाटा को कैश मेमोरी से निकाल लेता है और फौरन फौरन अपने कामों को प्रोसेस कर लेता है। दोस्तों डी रैम मेमोरी में इस्तेमाल होने की वजह से स्लो स्पीड होती है, लेकिन स्लो स्पीड होने के साथ साथ ये पावर भी एस रैम की निस्बत कम यूज करती है, जबकि एस रैम कैश मेमोरी में यूज होने की वजह से फास्ट स्पीड तो होती है लेकिन ये डी रैम के निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है। दोस्तों याद रखिए, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज बड़ा होता है तो डी रैम भी बहुत बहुत सारे डेटा को इन टर्म्स ऑफ बिट्स अपने अंदर महफूज कर सकती है, जबकि एस रैम क्योंकि कैश मेमोरी में यूज होती है और कैश मेमोरी का साइज मेन मेमोरी के मुकाबले में छोटा होता है, तो इसीलिए ये डी रैम की तरह बहुत सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। दोस्तों ये था रैम और उसकी टाइप्स। इसके बाद जो मेन मेमोरी की दूसरी किस्म है, दूसरी टाइप है, वो है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड किया जा सकता है, यानी इसमें पहले से कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रोम को बनाते वक्त यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम को बनाते वक्त इस रोम में स्टोर करती है, और उस इंफॉर्मेशन को ना ही आप डिलीट कर सकते हैं ना ही एडिट कर सकते हैं, बल्कि इसमें मजीद इंफॉर्मेशन डाल भी नहीं सकते, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के बंद हो जाने के बावजूद भी इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन महफूज रहती है, रैम की तरह उड़ती नहीं है, इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों रोम के अंदर मैन्युफैक्चरर पहले से कुछ प्रोग्राम्स को फिक्स कर देते हैं और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं रोम अपने अंदर उन प्रोग्राम्स को लोड कर लेता है। दोस्तों इसके अंदर कंप्यूटर के स्टार्ट होने से मुतालिक इंफॉर्मेशन महफूज होती है, और अगर रोम में ये इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, यानी ये जो आपको स्क्रीन जब नजर आती है तो इसका मतलब ये होता है कि रोम अपने अंदर तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने से मुतालिक है उसको लोड कर रहा है। ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स को चेक करता है और चेक करने के बाद कंप्यूटर को इजाजत देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रोग्राम को लोड करे, जैसे कि विंडोज और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। फ्रेंड्स जिस तरह रैम की दो किस्म थी, इसी तरह रोम की भी दो या फिर दो से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहली है पी रोम, उसके बाद है ई पी रोम
और उसके बाद है डबल ई पी रॉम। आइए इनको बारी बारी डिटेल में देखते हैं। पी रॉम, दोस्तों पी रॉम को प्रोग्रामेबल रॉम भी कहा जाता है। ये एक वन टाइम प्रोग्रामेबल प्रोसेस होता है, यानी इसके अंदर सिर्फ एक दफा डाटा को प्रोग्राम किया जाता है, वो भी इसकी बनाई के वक्त। इसके बाद आप किसी किस्म के डाटा को इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन की के लिए बायपोलर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी के साथ डाटा को अपने अंदर महफूज करती है। ये थी पीरॉम। इसके बाद है ईपीरॉम। दोस्तों पीरॉम से आप डाटा को इरेज नहीं कर सकते थे, और अगर आप इसमें डाटा डालना चाहते थे तो आपको एक नई पीरॉम खरीदनी होती थी। इसीलिए जरूरत पड़ी एक ऐसी रॉम की जिसमें मौजूद डाटा को इरेज किया जा सके, ताकि आप उसमें अपनी मर्जी के डाटा को ऐड कर सके। इसीलिए बनाई गई ईपीरॉम। दोस्तों ईपीरॉम स्टैंड्स फॉर इरेजिबल प्रोग्रामेबल रॉम, जिसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें मौजूद डाटा को ना सिर्फ आप रीड कर सकते हैं बल्कि डाटा को राइट भी कर सकते हैं, यानी उसमें अपनी मर्जी के डाटा को ऐड भी करवा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ईपीरॉम की कॉस्ट की, तो अपने इरेजिबल फंक्शन की वजह से इसकी कॉस्ट ईरॉम के निस्बत ज्यादा होती है, और यूवी रेस का इस्तेमाल करते हुए इसमें आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और अहम बात, इसमें आप सिर्फ एक दफा ही डाटा को इरेज करके अपनी मर्जी के डाटा को डाल सकते हैं, बार बार इसमें डाटा को रीराइट नहीं कर सकते। और बार बार डाटा को रीराइट करने के लिए जो रॉम इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है ईपीरॉम, सॉरी डबल ईपीरॉम। दोस्तों डबल ईपी रॉम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रॉम। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रॉम के जरिए आप मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के जरिए अपनी मर्जी के डाटा को रीराइट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी प्राइमरी मेमोरी, उसकी टाइप्स। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मेमोरी के अंदर आप डाटा को ऐड करवा सकते हैं, उसमें से डाटा को निकाल सकते हैं, जिसको हम मेमोरी एड्रेसिंग के चैप्टर के मेमोरी एड्रेसिंग के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।